Good morning, class. Today we are going to read a chapter, Magnificence of Trees. ठीक है? In this chapter, we will read about trees. How trees are beneficial for us. How it is integral part of our life. Okay? Let's read chapter. Forest. What is a forest? A forest is a large area of land thickly covered with trees, shrubs and many other plants. Forest कैसा area होता है? Large area of land. Land का एक बड़ा सा area जो कि thickly covered with trees. Trees से covered रहता है mostly. और shrubs और many other plants. उसमें trees ज़्यादा होते हैं और shrubs भी होते हैं और भी बहुत सारे plants हैं. तो that is a forest. Forest provided early humans with firewood, nuts and fruits and protection from harsh weather. अब जो forest था वो early humans को क्या चीज़ provide करता था? Firewood, nuts और उनको harsh weather से protection provide करता. यानी मतलब early humans तो mostly अपनी life forest में ही spend करते थे. Forest also provide logs for raft, branches for building, shelters and materials for utensils and weapons. अब हमें इसके अलावा फॉरेस्ट बहुत सारी चीज़ें और प्रोवाइड करते हैं. जैसे हमारी मोस्टली पूरी लाइफ है जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है. हमें देखिए राफ्ट्स के लिए लॉग्स भी मिलते थे एंड बिल्डिंग के लिए ब्रांचेस और भी मटेरियल्स जैसे कि यूटेंसिल्स और वेपन्स जो अर्ली ह्यूमंस थे स्टोन टूल्स या वुड के टूल्स यूज़ करते थे. तो इस तरह से अर्ली ह्यूमन क्या हम ही पूरे एक तरह से डिपेंडेंट है ट्रीज़ पे. फॉरेस्ट ऑल्सो सर्व मॉडर्न ह्यूमन बींग इन मैनी वेज. अब यहाँ पे देखिए कुछ वेज बता रखी हैं जिसमें फॉरेस्ट हमको जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. फॉरेस्ट क्लीन द एयर, एयर को क्लीन करते हैं. फॉरेस्ट आर ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल. लीव्स ऑफ ट्रीज ट्रांसफर गिव आउट एक्सेस वाटर. दिस लीड्स टू क्लाउड फॉर्मेशन एंड सब्सिक्वेंटली रेन. अब देखिए कि रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि जितना भी पानी ट्रीज़ को चाहिए होता है वो ले लेते हैं. उसके बाद जो एक्सेस में होता है वो वापस दे देते हैं. ठीक है, जिससे कि क्या होता है मतलब जो लीव्स होते हैं ना जितना उनको पानी चाहिए होता है उतना वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं और बाकी एनवायरनमेंट में वापस रिलीज कर देते हैं या जिससे एयर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उससे कि क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है. वी गेट वुड फ्रॉम फॉरेस्ट, फर्नीचर, बोर्ड्स, वैगन, स्लेजेस एंड काउंटलेस अदर थिंग्स. यानी फॉरेस्ट से हमें वुड्स भी मिलती हैं या बहुत सारी चीज़ें जो हमारे घर के अंदर आप देखोगे सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें जो लकड़ी से बनी होती हैं तो वो कहाँ से मिलेगी हमें? सारी फॉरेस्ट से मिलेगी. यस एंड वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस. जैसे कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के भी प्रोडक्ट्स जैसे कुछ बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें जैसे बैम्बू है, असेंशियल ऑयल्स है या कुछ नट्स वगैरह हैं जो भी आपको या मेडिसिनल प्लांट हैं इस तरह से भी आपको फॉरेस्ट से मिलते हैं. अब वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ लिव इन फॉरेस्ट. वाइल्ड लाइफ रहते हैं आपको पता है सारे जंगली जानवर जो फॉरेस्ट में रहते हैं. वी गेट हनी, मीट, स्किन, लैक, टस्क एंड मैनी अदर यूजफुल थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट एनिमल. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि हनी है, मीट है, स्किन है, लैक है एंड एलिफेंट टस्क है. तो ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं. फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉयल एरोजन. सबसे बड़ी चीज़ है कि सॉयल एरोजन को प्रिवेंट करते हैं क्योंकि उनकी रूट्स सॉयल को बाइंड करके रखती है. जब बारिश आती है अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो जो टॉप सॉयल होगी जो फर्टाइल होती है वो सारी फ्लो हो जाएगी. इसलिए रूट्स को उनकी जो फॉरेस्ट की मतलब ट्रीज की जो रूट्स है वो बाइंड करके रखती है सॉइल को जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल का इरोजन नहीं होता है. फॉरेस्ट पीपल. इंडिया इज़ अ बिग कंट्री. डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट ट्राइब्स. दीज ट्राइब्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम, कॉस्ट्यूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड रिलीजन. मतलब डिफरेंट स्टेट हैव डिफरेंट ट्राइब्स. मतलब हर इतनी बड़ी कंट्री है उसमें अलग अलग स्टेट के अलग अलग ट्राइब्स हैं. तो इन लोगों के अलग अलग कल्चर हैं, लैंग्वेजेस हैं, इनके कस्टम्स हैं, अलग तरह के ये कपड़े पहनते हैं. तो जो फॉरेस्ट पीपल हैं ना जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्राइबल पीपल. उनको ट्राइबल पीपल भी बोलते हैं जैसे कबीलों में रहने वाले आदिवासियों को भी बोलते हैं. यस ये देखिए हेयर इज अ लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स एंड द स्टेट इन विच दे लिव. यहाँ पे
आपको कुछ ट्राइबल पीपल की पिक्चर दिखा रखी है। ये भील ट्राइब के लोग हैं जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में हैं और गुजरात में हैं, और ये पोमाई ट्राइब के पीपल हैं जो मणिपुर में रहते हैं। ये है आपातानी अरुणाचल प्रदेश, एंड दीज आर नागा जो कि नागालैंड और आसाम और मणिपुर में रहते हैं, एंड दीज आर गादी हिमाचल प्रदेश एंड बंजारा सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में। देखिए इस तरह के जो ट्राइबल पीपल हैं जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं। डिपेंडेंस ऑफ ट्राइबल पीपल ऑन फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट पीपल की डिपेंडेंस देखिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर वुड, फूड, वुड फॉडर, मेडिसिन, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड क्लोथिंग। जो ट्राइबल पीपल हैं ये सारी चीज़ें, जैसे कि उनका खाना है, लकड़ी है या एनिमल्स के लिए फॉडर है, वो सारी चीज़ें उन्हें फॉरेस्ट से मिलती हैं। फूड, दे ईट वाइल्ड फ्रूट्स लाइक टैमरिंड, कस्टर्ड एप्पल, वुड एप्पल, आमला एंड एडिबल बेरीज। तो जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो फ्रूट हैं, जैसे कि आमला है, कस्टर्ड एप्पल हैं, जो बेरीज हैं यानी जो बेर लगते हैं या टैमरिंड है, उन पे वो डिपेंडेंट होते हैं, उनकी लाइफ डिपेंडेंट है। दे ऑल्सो ईट रूट, स्टेम एंड फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स, दे गेट अ वेराइटी ऑफ नट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। इसके अलावा वो बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनकी स्टेम और उनके फ्रूट या उनके फ्लावर्स को भी कंज्यूम करते हैं और बहुत सारे नट्स उनको मिलते हैं। बिल्डिंग मटीरियल, वुड इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज, लीव्स एंड ग्रास आर यूज टू मेक रूफ। अब जो वुड है उससे तो हाउस की कंस्ट्रक्शन में हेल्प होती है, और जो लीव्स हैं या ग्रासेज हैं उनसे उनकी रूफ, तो जो फॉरेस्ट में लोग हैं इनको यूज़ करते हैं। वुड इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल फॉर कुकिंग एंड फॉर हीटिंग होम ड्यूरिंग विंटर। अब वुड आपको पता है कि एक तो फ्यूल है कुकिंग के लिए और घर को विंटर टाइम में गर्म रखने में भी काम आता है, हम लोग भी हर्थ वगैरह जलाते हैं ना। फॉडर, ग्रास इज यूज एज फॉडर फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी जो डोमेस्टिक पालतू जानवर हैं उनके लिए एज ए ग्रास फॉडर के रूप में यूज होता है, मतलब उनका चारा। मेडिसिनल प्लांट, मैनी प्लांट्स लाइक नीम, सिनकोना एंड आमला आर यूज फॉर क्योरिंग डिजीज। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि हर्बल हर्ब्स हैं जो कि डिजीज़ को क्योर करने में भी यूज़ किए जाते हैं। स्पाइसेस, स्पाइसेस लाइक क्लोव्स एंड सिनेमन आर यूज्ड इन कुकिंग। अब बहुत सारे मसाले हैं जो भी यूज़ किए जाते हैं कुकिंग में। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ट्राइबल पीपल कलेक्ट लीव्स टू मेक पत्तल, ठीक है, लीव्स को वो किस लिए यूज़ करते हैं, एज अ प्लेट पत्तल के रूप में। टर्पेंटाइन, टैनिन, गम्स एंड रेजिन्स फ्रॉम ट्रीज, ये चीज़ें उनको मिलती हैं ट्रीज से। बैम्बू जिससे वो बास्केट बनाते हैं, रबर लेटेक्स से जो उनको रबर ट्री से मिलते हैं, मतलब जो रबर बनता है या जो आपके और किसी चीज़ में काम आता है जो रबर, जैसे टायर ट्यूब, वो आपको लेटेक्स ट्री से मिलता है। ग्रास टू मेक ब्रूम्स एंड मैट, और जो ग्रास है उसको वो ब्रूम्स और मैट बनाने में यूज़ करते हैं। ऑयल मिलते हैं उनको सीड से, साल ऑयल एंड नीम ऑयल आर यूज इन मेकिंग सोप। अब देखिए, और ये जो कुछ ऐसे ऑयल भी हैं जो सोप या परफ्यूम बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं। हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ सम ट्रीज, फॉरेस्ट ट्रीज, गम ट्रीज, बैम्बू ट्रीज, रबर ट्रीज एंड अ सेक्रेट ट्री। अब ये सेक्रेट ट्री क्या होता है, यानी जिसकी पूजा की जाती है। Many people in our country worship nature. They worship many plants and animal. People, आमला, banyan and neem trees are considered as sacred trees. हमारे देश में trees की भी पूजा की जाती है, तो इसमें कुछ ऐसे trees हैं जैसे people, आमला, banyan है, इनको हम लोग अपने different different tradition के हिसाब से पूजा भी करते हैं, मतलब as a मतलब पूजा के हिसाब से इनको माना जाता है। कि ऐसा भी माना जाता है कि अगर इन ट्रीज़ की पूजा की जाए तो घर में खुशहाली आती है, गॉड हम पे मतलब खुश हो जाते हैं हमसे। नाउ डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ों को काटना इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अब देखिए यहाँ पे क्या कॉजेज है जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन, इन मेनी फॉरेस्ट ट्राइबल पीपल क्लियर अ पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड बाई कटिंग ट्रीज, दे यूज दिस लैंड टू कल्टिवेट क्रॉप्स, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स
दिस लैंड बिकम्स बैरन एंड अनफिट फॉर कल्टिवेशन बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. मतलब बहुत सारे जंगलों में ऐसा होता है कि जो ट्राइबल पीपल है किसी एक लैंड एरिया को क्लियर कर देते हैं, साफ कर देते हैं, उसको वो यूज़ करते हैं कल्टिवेशन में, और कुछ सालों तक उसको यूज़ करने के बाद में वो लैंड जो बैरन हो जाती है यानी फर्टाइल नहीं रहती है, उपजाऊ नहीं रहती है, तो उस लैंड को वो छोड़ देते हैं क्योंकि वो अनफिट होती है कल्टिवेशन के लिए, क्योंकि उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र का कोई यूज़ नहीं होता, इसलिए वो अनफिट होती है. Thus they leave this land and clear another patch of forest land for cultivation. अब इस तरह से वो उस लैंड को तो छोड़ देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं किसी अनदर लैंड पे, तो उसको क्लियर करके फिर उसको एज ए कल्टिवेशन यूज़ करते हैं. तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कल्टिवेशन. फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, वेट, अर्बनाइजेशन. द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज कॉजेज डिफॉरेस्टेशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. द ग्रोइंग डिमांड ऑफ फायरवुड इन विलेजेस एंड टिम्बर इन अर्बन एरियाज ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. यानी जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे सिटीज़ की ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो लोगों को फायरवुड की बहुत डिमांड हो रही है विलेजेस और टिम्बर के अर्बन एरियाज में, जैसे जो भी एक बहुत बड़ा कॉज है डिफॉरेस्टेशन का. देखिए अर्बनाइजेशन, देखिए कितना डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके लिए फायरवुड के लिए गांवों में और शहरों में लकड़ी के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ता है, जो भी एक बहुत सारा बहुत बड़ा कॉज है. इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स देखिए, अब इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं. फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एनिमल लूज देयर होम. अब बहुत सारे एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं, तो अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, अगर हम सारे पेड़ काट देंगे धीरे धीरे, तो क्या होगा एनिमल्स के लिए, तो वो बच्चे के नहीं, वो कहाँ रहेंगे फिर, तो उनका उनको अपने घर खोने पड़ते हैं. इस इट कॉज सॉयल इरोजन लीडिंग टू द लॉस ऑफ सॉयल फर्टिलिटी. इससे क्या होगा, अब अगर पेड़ काट देंगे, मैंने आपको बताया कि सॉयल इरोजन होता है, तो फर्टिलिटी, लैंड की फर्टिलिटी पे असर पड़ता है. इट कॉज चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न. अब रेनफॉल के पैटर्न में भी चेंज आता है, क्योंकि जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे उसी हिसाब से बारिश होती है, मैंने आपको बताया. तो अगर फॉरेस्ट को हम ज़्यादा काट देंगे तो उसका रेनफॉल के पैटर्न पे भी इफेक्ट. मॉर्निंग बेटा. और कभी कभी ऐसे अगर बारिश हो सकता है, या तो बारिश बहुत कम आएगी या फिर ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि ड्रॉट की कंडीशन आ जाएगी. बर्निंग ऑफ वुड ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर. अब जितने ज़्यादा हम लकड़ी को जलाएंगे उससे क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी एक कॉज बन जाएगा एयर पोल्यूशन का. इससे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी. इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट द रेन वाटर फ्लोज फास्टर कॉजिंग फ्लड्स. और अगर ट्रीज नहीं होंगे, ट्रीज की एब्सेंस में जब बारिश आएगी तो रेन वाटर है जो बहुत जल्दी फ्लो होगा, तो एक तो वो टॉप सॉइल को अपने साथ बहा के ले जाएगा, और या फिर अगर बहुत एक्सेस में रेन हो गई तो फ्लड्स की कंडीशन आ जाएगी. और डिफॉरेस्टेशन और क्या कॉज करता है, एडवर्स क्लाइमेट चेंजेस आ जाएंगे इसके, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होगी तो उसकी वजह से बारिश पे इफेक्ट पड़ेगा, तो क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से. तो ये तो हमारे थे इफेक्ट्स. अब हमें क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज. अमृता देवी एंड हर सेक्रीफाइस. वंस अपॉन अ टाइम द किंग ऑफ जोधपुर ऑर्डर्ड हिज मैन टू कट द केजरी ट्रीज केजरी विलेज टू गेट वुड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज न्यू पैलेस. खेजरी ट्रीज वर सेक्रेट टू द विलेजर्स ऑफ खेजरली. When the news reached to Amrita Devi, she embraced the Khejri tree and said that the soldier must cut her first in order to cut the trees. Other villagers also supported her and embraced the Khejri trees. अब यहाँ देखिए, जोधपुर के राजा ने एक बार ऑर्डर किया कि केजरी के ट्री को, मतलब उनको अपने उन्होंने अपने आदमियों को बोला कि कंस्ट्रक्ट कट द केजरी ट्री, ठीक है,
मतलब उनको अपने महल के कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ी चाहिए थी, तो उन्होंने अपने आदमियों को बोला कि केजड़ी के पेड़ों को काटा जाए। जब ये खबर अमृता देवी और उनके गांव वालों को पता लगी, क्योंकि उनके लिए जो केजड़ी के पेड़ थे वो सेक्रेटरी थे, वो उनकी पूजा करते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ट्रीज़ को हक कर लिया, उनके साथ चिपक गई। तो उन्होंने कहा कि पहले इन पेड़ों को काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा। तो विलेजर्स ने भी उनका साथ दिया और केजड़ी के ट्री को गले लगा लिया, मतलब उनके साथ एम्बेरेस हो गए। इट वॉज डिसाइडेड बाय द विलेजर दैट ईच बिश्नोई विलेजर वुड सेक्रीफाइस हिज और हर लाइफ फॉर एवरी ट्री दैट विल बी कट डाउन। विलेजर्स ने ये डिसाइड कर लिया कि जितना मतलब हर एक ट्री के लिए वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करेंगे, यानी उसको बचाने के लिए पहले उन्हें काटना पड़ेगा तभी वो पेड़ काटने देंगे। A total of 363 villagers, including Amrita Devi and her three daughters, sacrificed their lives to save the Kejri tree. Amrita Devi के साथ 363 villagers और उनकी तीन daughter ने अपनी life को sacrifice किया Kejri tree को save करने के लिए। In history, there is no other incident like this where people sacrifice their lives to save tree. History में आज तक ऐसा कोई incident नहीं हुआ है जिसमें कि लोगों ने इस तरह से अपनी लाइफ को सेव की मतलब लगा दिया हो ट्रीज को सेव करने के लिए। इससे लोग बहुत इंस्पायर हुए, तो इस इंसिडेंट को चिपको मोमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेक्रेट ग्रूव और ओरन। अ सेक्रेट ग्रूव और एन ओरन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सम ट्राइबल सोसाइटीज। An oran is developed to conserve an area of forest by the local people. The word oran is derived from the Sanskrit word aranya means forest. अब ये जो oran है ये संस्कृत वर्ड अरण्य से मिला बना है, जो जिसका मतलब है कि फॉरेस्ट। An oran is a patch of forest land preserved and dedicated to a deity or village god or goddess. मतलब ये इस तरह की लैंड होती है, फॉरेस्ट लैंड होती है, जो किसी देवी देवता यानी किसी डाइटी के लिए या किसी गॉड या गॉडेस के लिए छोड़ दी जाती है। ठीक है, उनके नाम पे। दिस पीस ऑफ लैंड इज कंसिडर्ड टू बी ए सेक्रेट ग्रूव और ओरन। नो वन कैन कट अ ट्री और किल और एनिमल और बर्ड इन दिस सेक्रेट। अब ये जो लैंड छोड़ी जाती है इसमें क्या होता है कि ट्री कटिंग ऑफ ट्रीज बैन होता है, हंटिंग ऑफ एनिमल्स बैन होता है, तो यहाँ पे रह के जो ट्रीज को और एनिमल्स और बर्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। देयर आर अबाउट 25,000 ओरन्स इन राजस्थान कवरिंग एन एरिया अबाउट 60,000 हेक्टर्स। यानी 25,000 ओरन लैंड है राजस्थान के अंदर, जो कितना एकड़ एरिया कवर कर रहे हैं, 60,000 एरिया कवर कर रहे हैं जो 25,000 ओरन लैंड है। The orans of the Bishnoi in the desert district of Jodhpur, Rajasthan are famous for the protection of bagpal. अब देखिए जो बिश्नोई orans हैं, जो बिश्नोई community के orans हैं district जोधपुर में, ये famous किसके लिए हैं, blackbuck bird की protection के लिए। And the kejri trees that are sacred to them are Orans are the focus of local religious activity and may take the form of a shrine or temple. और जितने भी ओरन लैंड छोड़े जाते हैं किसी डाइटी के नाम पे, तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ तो टेम्पल की फॉर्म ले लेते हैं, वो यहाँ पे मंदिर बन बन जाते हैं फिर। As a sanctified place, they are the focus and meeting ground for locals and discuss religious affairs. और कभी कभी लोग वहाँ पे आपस की मीटिंग और डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन अबाउट क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन ऑफ द ओरन टेक प्लेस हियर। वो अपने गांव की मीटिंग करते हैं या अपने क्रॉप्स, अपने लाइफ स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं वहाँ पे। द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैड मेड लॉज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रास लैंड, ग्रेजिंग लैंड एंड ओरन्स, कीपिंग इन माइंड द रिस्पेक्ट दैट लोकल पीपल हैव फॉर द एनवायरमेंट एंड द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट। गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने भी कुछ लॉ बनाए हैं ताकि फॉरेस्ट लाइफ को, वाइल्ड लाइफ को, बर्ड लाइफ को, एनिमल लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। नाउ एफॉरेस्टेशन। विथ ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग पीपल द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग फॉरेस्ट हैज़ बीन रियलाइज्ड।
लोगों के अंदर फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस मतलब उनको बताने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए क्या है, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज टू सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन. यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना उस एडवर्स इफेक्ट से बचने के लिए, जो डिफॉरेस्टेशन के एडवर्स इफेक्ट होंगे उनसे बचने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करें, उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन. Does it become our moral duty to conserve forest and protect the environment for the benefit of our future generation? तो ये हमारी moral duty है कि हम अपनी future generation के लिए क्या उनकी life को protect करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा trees को grow करें ताकि उनको ज़्यादा अच्छा environment मिल सके. In India, in the first week of July, Van Mahotsav is celebrated. In this program, various government and non-government organization participate and plant sapling on a large scale. अब जुलाई के फर्स्ट वीक में वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसमें क्या ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारे प्लांट लगाती हैं, जैसे सैपलिंग ग्रो करती हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अब यहाँ पे देखिए, और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. मेजर अट्रैक्शन ऑफ राजस्थान इंक्लूड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स. आर द होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग टाइगर्स, फोन हॉर्न, एंटीलोप्स, लियोपर्ड एंड हाइनास. अब जो राजस्थान के अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या नेशनल पार्क्स हैं, बहुत अट्रैक्शन का एक बड़ा रीज़न है कि लोग यहाँ पे आते हैं, ये सब चीज़ों को विजिट करते हैं. अब यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नेम दे रखे हैं नेशनल पार्क के. रणथंभौर नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व जो कि सवाई माधोपुर में, यहाँ पे उनका डिस्ट्रिक्ट के नेम है. क्योलाडो नेशनल पार्क, घना बर्ड सेंचुरी भरतपुर है. डेजर्ट नेशनल पार्क इन जैसलमेर एंड सरिस्का नेशनल पार्क अलवर. ठीक है, ये नेशनल पार्क हैं, ये उनके डिस्ट्रिक्ट हैं, इन डिस्ट्रिक्ट में ये नेशनल पार्क की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी हुई हैं. यहाँ पे देखिए कुछ और दे रखे हैं, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कि राजसमंद में हैं, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, प्रतापगढ़, धरा सेंचुरी और कोटा में. अब ये देखिए मैप, लुक एट दिस मैप ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. यहाँ पे उनके डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, ये देखिए सरिस्का नेशनल पार्क जो कि अलवर में है, ये यहाँ पे आपका भरतपुर है. क्योलाडो नेशनल पार्क और घना बर्ड सेंचुरी है, ये सवाई माधोपुर है, जहाँ रणथंभौर नेशनल पार्क है, ये कोटा, दरा सेंचुरी एंड कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजसमंद, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रतापगढ़. तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है. ये जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क है. नाउ फूड चेन. अब व्हाट इज फूड चेन, यानी एक एनिमल का दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट होना, दैट इज कॉल्ड अ फूड चेन. All animals get energy from the food they eat. Green plants make their own food by the process of photosynthesis. सारे animals हैं, हम सब किससे energy मिलती है, हम सबको खाने से, obvious है. तो जो green plants हैं वो अपना खाना बना लेते हैं कैसे, photosynthesis के process से. Herbivorous animal like deer, rabbit, cow get their food from plants. अब ग्रीन प्लांट ने तो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना लिया, जो हर्बीवोरस हैं, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, उनको खाना प्लांट से मिल जाता है, वो प्लांट्स को खा के अपना खाना बना लेते हैं. और ये हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, इनको कौन खाता है, ये खाए जाते हैं कार्निवोरस या ओमनीवोरस. जो ओमनीवोरस हैं वो प्लांट ईटिंग भी होते हैं और एनिमल ईटिंग भी होते हैं. तो जो हर्बीवोरस एनिमल है इनको खाते हैं कार्निवोर. तो ये जो सीरीज है, प्लांट्स को हर्बीवोरस खाते हैं, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं, तो ये जो चेन चलती रहती है इसको बोलते हैं फूड चेन. अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिंक्ड टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन फॉर फूड इज कॉल्ड अ फूड चेन. यानी ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ लिंक होना बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग, ईटिंग के प्रोसेस से एक दूसरे के साथ लिंक्ड होना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फूड चेन. यहाँ पे देखिए पिक से आपको समझा रखा है, जो डियर है प्लांट को खाता है और डियर को कौन, एनिमल, ये टाइगर ईट करता है. ग्रास होपर ग्रास को खाता है और फिर फ्रॉग ग्रास होपर को खा जाता है और स्नेक फ्रॉग को खा जाता है. देखिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये इस पर डिपेंडेंट है
फिर ये इस पे डिपेंडेंट है और ये इस पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं, प्लांट्स ग्रास होपर खाते हैं प्लांट्स को, फिर रॉबिन ग्रास होपर को खा जाता है और हॉक रॉबिन को खा जाता है, रैबिट प्लांट्स को खाते हैं, फॉक्स रैबिट को खा जाता है, लायन फॉक्स को खा जाता है, प्लांट्स माउस प्लांट्स खाते हैं, फिर ईगल माउस को खा जाता है। अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंट फूड चेन इज कॉल्ड अ फूड वेब, यानी इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने का ये जो सिस्टम है इसको फूड वेब कहते हैं। देखिए इस डायग्राम की हेल्प से आप फूड वेब देखेंगे, ये जो ग्रास है ठीक है, ये ग्रास पे देखिए कितने डिपेंडेंट है, डेयर ग्रास होपर कैटरपिलर स्क्विरल माउस रैबिट ये सारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं। अब ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं इन पे कौन डिपेंडेंट है, देखिए फॉक्स ईगल स्क्विरल को देखिए हाक, और ये रॉबिन ये ग्रास होपर और कैटरपिलर को खा जाती है, और टाइगर डेयर को खा जाती है। तो ये जो इनका इंटरडिपेंडेंट होना ये क्या है, फूड वेब। अब ये यहाँ पे कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रीड करेंगे जिससे हमारा चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। व्हाट इज अ फॉरेस्ट, अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड थिकली कवर्ड विद ट्रीज श्रब्स एंड मैनी अदर प्लांट्स। इफ वी वॉन्ट टू राइट अ क्वेश्चन व्हाट इज फॉरेस्ट यू कैन राइट दिस लाइन। ओके सेकेंड नंबर इज फॉरेस्ट प्रोवाइड अस क्लीन एयर एंड ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल, क्लीन एयर प्रोवाइड करते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल। वी गेट फूड केन बैम्बू एसेंशियल ऑयल्स एंड रेजिन्स फ्रॉम फॉरेस्ट, हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉयल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। टैमरिंड कस्टर्ड एप्पल आमला एंड वुड एप्पल आर यूज्ड एज फूड बाय ट्राइबल पीपल, तो ट्राइबल पीपल ये सारे जो फ्रूट्स हैं इनको एज अ फूड यूज़ करते हैं। ग्रास इज यूज एज फॉडर फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, ग्रास को एज अ फॉडर यूज़ किया जाता है यानी चारे के रूप में। नीम सिंकोना एंड आमला आर मेडिसिनल प्लांट्स, ये मेडिसिनल प्लांट है। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, इट कॉज सॉयल इरोजन, दिस मेक द लैंड अनफर्टाइल, ऑल्सो कॉज चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न, ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर हम पेड़ को काट देंगे तो ये सारे इफेक्ट होंगे इसके, क्या होगा, रेनफॉल के पैटर्न में चेंज आएगा, सॉयल इरोजन हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, फ्लड्स आ जाएंगे और क्लाइमेट के चेंज के अंदर एडवर्स इफेक्ट आ जाएंगे। फॉरेस्ट आर कंजर्व इन राजस्थान बाय डेवलपिंग ऑरेंज, अब राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑरेंज के रूप में भी फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना कर रखा है और कुछ लॉ बनाए हैं जिसके जिसके तहत भी वो फॉरेस्ट को प्रिवेंट कर रहे हैं। मतलब अब ऑरन क्या होते हैं, किसी भी डाइटी या गॉडेस के लिए जो लैंड को हम छोड़ देते हैं प्रिजर्व कर देते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑरन। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज इज टू सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करना डिफॉरेस्टेशन के एडवर्स इफेक्ट को रोकने के लिए उसको बोलेंगे हम एफॉरेस्टेशन। यू कैन ऑल्सो राइट दिस क्वेश्चन। A series of organism linked together by the process of eating and being eaten for food is called a food chain. यानी series है food की, एक animals का एक organism का दूसरे organism को खाना is called a food chain. Okay, hope this chapter is clear to all. Yes, yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.